हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपने कैटलॉग स्टूडियो डाउनलोड कर रखा है आपके सिस्टम में। आई एम गोइंग टू शो यू बेसिक आपको कैसे कैटलॉग का स्टार्टअप करना है। आजकल मार्केट में ये लेटेस्ट टूल है, ये सेलेनियम के ऊपर बना हुआ है, इसलिए सेलेनियम से थोड़ा अच्छा है, सेलेनियम से काफ़ी ईजी है। कुछ लोगों को जिनको ऑटोमेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके लिए बेस्ट स्टार्टअप है। तो बेटर है आप कैटलॉग में, आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा आज की इस वीडियो में ओनली, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एटलीस्ट आप अपनी कंपनी में, अपने घर पे इसको स्टार्ट कर पाएंगे कि कैसे काम करता है। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं, कैटलॉग की साइट पे जाके आपको ये डाउनलोड कर लेने का है। और कैटलॉग की साइट से आपको डाउनलोड करने के बाद आप इसकी जो कैटलॉग की फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। कैटलॉग स्टूडियो की जो फाइल होती है, वो कैटलॉग स्टूडियो की फाइल आपको बस आपको ओपन करने का है। ग्रीन वाली जो फाइल है, इसको डबल क्लिक करके आपको ओपन करने का है जस्ट। अब ओपन करने के बाद आपको ये ऐसा सेटअप पूरा ओपन करके देगा। और सेटअप ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आज वो जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ वो, कि इसमें रिकॉर्ड एंड प्लेबैक फंक्शनैलिटी तो है ही, साथ में हम इसमें स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट इसमें ग्रूवी में करते हैं, राइट। ग्रूवी लैंग्वेज जो काफ़ी इजी है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस वेब यूआई डॉट नेविगेट और इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट मैं आपको बेसिक स्टार्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में आपको अपना प्रोजेक्ट का नेमिंग देने का है, सिंपल जैसा हम प्रोजेक्ट का नेमिंग देते हैं, वो प्रोजेक्ट का नेमिंग देने का है। ये ब्लैंक रखने के बाद सारे जो जितना सिर्फ मैंडेटरी डिटेल है वही डाल के, आपका वेब प्रोजेक्ट है, एपीआई प्रोजेक्ट है, मोबाइल है, जो भी है, सिंपली मैं चाहूँगा आप वेब से स्टार्ट करें। वेब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करने का है, ओके करने का है, राइट। मैंने ये कर चुका हूँ ये प्रोजेक्ट, ये आपका ऐसा ओपन हो जाएगा, राइट। अब आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग प्लेबैक है जस्ट जस्ट लाइक अगर आपको पता है सेलेनियम आईडी में हम करते थे वैसा, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली ऐड करना है तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, राइट। कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कैप्चर नहीं होते हैं वेबसाइट में, जब हम टेस्टिंग करते हैं वेबसाइट में तब कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है वो कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो वो कैप्चर करवाने के लिए हर बार रिकॉर्ड एंड प्लेबैक काम नहीं आता है। और रिकॉर्ड एंड प्लेबैक करने के बाद भी कई बार आपको एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं जब आप दूसरी बार रन करते हैं। इसलिए दोनों ऑप्शन है आपके पास कि रिकॉर्ड एंड प्लेबैक करने के बाद आप कैसे अपनी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो कहां से आपको रिकॉर्ड एंड प्लेबैक स्टार्ट करना है, तो ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, रेड ये अर्थ जैसा बना हुआ, इसके ऊपर रेड है रिकॉर्ड वेब है, इसका इस्तेमाल करके आपको वो करने का है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे एक रिकॉर्डर ओपन करता है, राइट। ये आपको रिकॉर्डर ओपन करेगा ऐसा, राइट। और इसमें पूछेगा आपकी जो भी साइट हो उस साइट का आप नाम यहाँ पे डालिए, जिस साइट का टेस्टिंग करना है, जिस पे रिकॉर्डिंग करना है, उस साइट का नाम यहाँ डालिए, और उसके बाद आप डायरेक्ट ओके कीजिए। ये यहाँ जो क्रोम दिखा है इसको क्लिक कीजिए, राइट। तो क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के साथ ही जो भी आपने डेमो में यहाँ पे ब्राउज़र में आप अपना जो यूआरएल डाला था टेस्टिंग का, एप्लीकेशन का, वो आ जाता है आपका। और उसके बाद जो जो भी आप एक्शन करते जाते हैं वो सारे एक्शन जो है वो लेते जाता है, जो भी एक्स वाई जेड आप एक्शन करेंगे वो सारे लेते जाता है। ये करने के बाद ध्यान रखना, यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग कि ओके दबाने के बाद ये दो तीन चीज़ें पूछता है जिसको आपको काफ़ी केयरफुली आपको वो करना होता है, राइट। ओके करने के बाद ये पूछता है, अगर आपने पहले से टेस्ट केस कर रखे हैं तो उसमें पूछता है कि उसमें मर्ज करूँ, क्रिएट डुप्लीकेट्स, ये हो। तो अगर उसी टेस्ट केस में आपको करना है तो आप मर्ज का ऑप्शन दबाइए। अगर आपको नया दबाना है कि नहीं यार मेरा ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं नया करना चाहता हूँ, तो आप दूसरा रिप्लेस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट या ऐसा कर सकते हैं। बट ध्यान रखना ये चेकबॉक्स, ये जो रेडियो बटन है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये ओके करने के बाद क्या होता है कि आपके जितना भी टेस्ट, और फिर ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ये करने के बाद क्या होता है इंपॉर्टेंट, कि ये अपॉइंट टेस्ट केस या ओवर राइट टेस्ट केस। तो समटाइम्स क्या होता है, लोग ओवर राइट कर देते हैं, तो ओवर राइट करने के कारण क्या होता है कि पुराने सारे टेस्ट केस चले जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको जस्ट सिंपल अपेंड दी करेंट टेस्ट केस ऐसा करना है, ताकि वो आपके करेंट टेस्ट केस के अंदर ही वो उसमें स्टेप्स एडेड आ जाएगी, राइट। वो स्टेप्स एडेड आ जाएगी उसी के अंदर, देखो ये जो टेस्ट केस है आपका, इसी के अंदर वो सारी स्टेप्स एडेड आ गई, राइट। और ये मैनुअल मोड है, आपको स्क्रिप्ट में जाना है, आप यहाँ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, नो इश्यू। आपको जो लगता है कि अगर मुझे कमांड याद है तो मैं यहीं से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अदरवाइज आप ये स्क्रिप्ट में जाके भी इजीली, अगर आपको थोड़ा कोड का है अनुभव एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इजीली, राइट। तो इतना करने के बाद अगर ये आपसे हो जाता है, राइट, तो जस्ट एक बार रन करके देखिए। हाँ, यहाँ अगर आप रन कर सकते हैं तो यहाँ भी आप रन कर सकते हैं, लेकिन कैटलॉन मेनली जो है
टेस्ट सूट बना के ज़्यादा रन करने के लिए पॉपुलर है, और वो अच्छी अप्रोच भी है। आप जितने भी टेस्ट केस हो वो आप एक सूट बनाइए, यहाँ पे आप टेस्ट केस के अंदर जो है, यहाँ पे नया टेस्ट केस ऐड करना है तो न्यू करके टेस्ट केस ऐड कर सकते हैं, फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं आपको करना है और रन का फाइनल रन करने के लिए इस टेस्ट केस को इस टेस्ट सूट में ऐड करना पड़ेगा, तो वो राइट क्लिक कीजिए, नया टेस्ट सूट बनाइए आप, तो ऐसा टेस्ट सूट आ जाएगा। उस टेस्ट सूट को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूछेगा, ब्लैंक आएगा शुरू में, आप क्लिक ऐड कर करके जितने भी आपने टेस्ट केस यहाँ बनाए होंगे ना, टेस्ट केस फोल्डर के अंदर वो सारे यहाँ आ जाएंगे, उनको एक एक सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं, वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे ही मैंने ये और डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप सो, कि आपको बस कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड करना है, टेस्ट केस आ जाता है, उसके बाद नई टेस्ट सूट बनानी है, उस नए टेस्ट सूट के अंदर इस टेस्ट केस को ऐड करना है, सब कुछ इनबिल्ट दिया हुआ है, कुछ करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। ये करने के बाद आपको ये ध्यान रखना कि आप यहाँ अगर आपका फोकस है और रन करते हैं तो ये इस चीज़ को रन करेगा, और यहाँ सूट पर रख के रन करते हैं तो ये सूट के अंदर जितने टेस्ट केस है ना सबको रन करेगा। आपको कुछ करना नहीं है, जो किसी भी ब्राउज़र में आपको करना है उस ब्राउज़र का नाम सिलेक्ट करके आप कर लीजिए, जैसे मैं आपके सामने रन कर रहा हूँ ये, राइट। ये रन हो रही है, ये आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाती है यहाँ पे। ये पूरी रन होने के बाद आपकी जो स्क्रिप्ट रन हो जाती है, उसके बाद आपको दो बार रन हो रहा है वो, क्योंकि मैंने शायद सेव नहीं किया इसलिए वो रन, आपकी जो रन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉग व्यूअर में रिपोर्ट मिल जाती है उसकी, कि क्या क्या फेल हुआ, क्या क्या पास हुआ, ये सिंपल आप रिपोर्ट देख के भी आप पता लगा सकते हैं, राइट। ये रिपोर्ट मिलती है यहाँ पे, जो ट्री व्यू है इस आइकॉन को क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट पास फेल में आ जाएगी, और इसी को डबल क्लिक करेंगे तो ये पास फेल आपको दिखा देगा। जस्ट कुछ नहीं, आपको जो सिंपल शुरुआत करने के लिए बस यही कीजिए कि रिकॉर्ड कीजिए, और उस प्लेबैक को रिकॉर्ड करने के बाद जो है आप एक बार रन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम। आगे का मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, बट अभी आपको सिंपल रिकॉर्ड एंड प्लेबैक मैंने बता दिया है। होप आपको पसंद आया हो, आप कमेंट कीजिए, मैं और ढेर सारा नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स।